एनडीए सरकार का गठन करने के लिए जा रहा है और यह तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनने वाले हैं। राष्ट्रपति की तरफ से नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भी मिल चुका है। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक तरफ जहां पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास पर एनडीए नेताओं से एक एक करके मुलाकात कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष ने एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं से सरकार के प्रारूप की चर्चा की और खबर है कि सभी नेताओं से मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई है। देखिए तो दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक तस्वीर में आप देखिए, ये तस्वीर है जब बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी को न्योता मिला है सरकार बनाने का, और देखिए दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की जब बैठक हो रही थी। एक तरफ जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ देखिए तब की तस्वीर है जब जेपी नड्डा के आवास पर एक एक करके सांसदों से बातचीत की जा रही थी, मुलाकात की जा रही थी और साथ ही साथ बता दें आपको कि मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा हुई है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। चूंकि कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर के सभी सांसद जो हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा जिसका एनडीए के सभी नेताओं ने समर्थन किया। मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के हर निर्णय को स्वीकार करते हुए पूरी मजबूती के साथ काम करने का भरोसा दिया। ढोल नगाड़ा जश्न का माहौल। तस्वीरें देश की नई संसद के ठीक सामने की उस वक्त की है जब एनडीए की संयुक्त बैठक सदन के भीतर सेंट्रल हॉल में चल रही थी। अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी को एक सुर में एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं, जिसका मैं मन से समर्थन करता हूं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है, लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के